हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अल्ट्रा हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट, और इसके लिए हमें चाहिए होगा कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल, और इसके साथ हम बहुत से अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जिनकी लिस्ट कुछ ऐसे है। उसके अंदर हमें चाहिए बेबी ऑयल, जैस्मिन ऑयल यानी चमेली का तेल। बेबी ऑयल मैंने जॉनसन्स वालों का लिया है। इसके साथ हमें चाहिए रोज़ वाटर या अर्के गुलाब। इसके साथ हमें चाहिए ब्लैक सीड ऑयल, विटामिन ई ऑयल और कोई सभी फ्रेग्रेंट एसेंशियल ऑयल। मैंने यूकेलिप्टस ऑयल इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे उसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। साथ ही हम एक कंटेनर यूज़ करेंगे, कोई सा भी फ्लास्क जो कि स्प्रे बॉटल जो आपके पास पहले से मौजूद हो, खाली हो, उसको आप यूज़ कर लें। अब ये देखिए, मैंने पहले लिया है कैस्टर ऑयल और एक टेबलस्पून, उसके साथ ही मैंने इसके अंदर एक तकरीबन 20-40 ड्रॉप्स मैंने विटामिन ई ऑयल के डाले हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड करना है 2-3 टेबलस्पून्स ऑफ बेबी ऑयल, और साथ ही हमने इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल तकरीबन 1-2 टेबलस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जैस्मिन ऑयल, चमेली का तेल, वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2-3 टेबलस्पून, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे ब्लैक सीड ऑयल का। और फिर हम इस तरह से इस ग्लास में, जो कि तकरीबन 250 ml जितना ग्लास है, इसको हम ऑलमोस्ट फिल अप कर लेंगे विद रोज़ वाटर। और इसी तरह हम जो एसेंस है यूकेलिप्टस की, उसके हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे। इस सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको अपनी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये सारे ऑयल्स जो हैं, ये सब स्किन टाइप्स को बहुत अच्छी तरह से सूट करते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सूट ना करे। अगर आपको अगर आप जानते हैं कि इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सूट नहीं करती, फिर आप उसको इसमें से अवॉइड करें, उसमें ऐड ना करें, तो भी ये काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त किस्म का हाइड्रेटिंग मिस्ट बन जाएगा। और इसको आप अपनी स्प्रे बॉटल में डाल लें और इसको आप दिन में 5-6 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप मेकअप करें, इसको आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। और चूँकि अब हम खिजां का मौसम शुरू हो चुका है और अब हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो सर्दियों में ये आपकी स्किन के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है। आई वुड हाईली रिकमेंड ये आप घर में ज़रूर बनाएं। और अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई सा भी ऑयल, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमने विटामिन ई ऑयल इस्तेमाल किया है, तो उसकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। तो एसेंशियल ऑयल अगर हम इस्तेमाल करेंगे, हम सिंपली जो किचन में वनीला एसेंस होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे उसकी बड़ी प्लेजेंट सी खुशबू हो जाएगी, जो आपको जब आप इसको यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंटली, तो आपको बहुत ही स्ट्रेस रिलीविंग इफ़ेक्ट भी आएगा। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से यूज़फुल रेमेडीज़ और अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए बाय।